पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक बड़ा तबका फिल्म साजी से जुड़ा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखता है। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं जवान साल, बासलाहियत, पुर एतमाद, टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर जनाब साद खान। आदाब जनाब साद, मैं इस गुफ्तगू में तुम्हारा खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा, मैं पहले ये बात खुलकर कर लूँ कि आज हमारी गुफ्तगू बिल्कुल बेतकल्लुफ और खुली खुली बात हो, ताकि तुम भी अपने ख्यालात का इजहार खुलकर कर सको और मैं भी तुमसे सवाल खुलकर कर सकूँ। मैं सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहूँगा साद, कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ कैसे तुम्हारी तबीयत फिल्म साजी की तरफ यानी डायरेक्शन की तरफ माइल हुई? जी, मैं हमेशा से इस जो फील्ड है इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ। बचपन से लेके मैं बचपन में बहुत सारी हिंदी फिल्म देखता था, छुप छुप के देखता था, चोरी चोरी देखता था, लेकिन जो वालिदैन हैं उनका बहुत सपोर्ट था। तो बचपन से जो इंटरेस्ट में मुझे बना फिल्म में, और स्पेशली अमिताभ बच्चन की फिल्म हो या दिलीप कुमार की फिल्म हो, तो वो सब फिल्में देख देख के मुझे एक ऐसा एक शौक पैदा हुआ। जो वो शौक जो ट्रांसलेट हुआ आज के जमाने में, वही मुझे एक चीज जरूर से मुझे पता था कि अगर मैं ये सब फिल्में देख रहा हूँ तो मुझे जो मुझे एंटरटेनमेंट जो हासिल हो रहा है उसके साथ साथ मुझे एक नॉलेज भी हासिल हो रहा है, और वो नॉलेज मुझे अपने अपने जो एजुकेशन था उसमें भी चाहिए था वो नॉलेज। तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो ये सेम फिल्मों का जो मुझे इंटरेस्ट था वो बरकरार था। अच्छा, तो इसके हिसाब से फिल्म बनाना जो बचपन से लेके मैं बढ़ते गया, वो फिल्म बनाने का मुझे जो शौक था वो सचमुच अभी अब कैसे बोलते हैं आप जी अच्छा, आगे बढ़ गया जी, आगे शौक बढ़ते गया। और अभी मैं मेरी फिल्म फीचर फिल्म मैंने कंप्लीट भी की है और इंशाल्लाह रिलीज भी होने वाली। तो इन फिल्मों के हवाले से मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा साथ, कि उस जमाने में किस किस्म की टेक्निक, जबकि नया नया जमाना था फिल्मों का, किस किस्म की टेक्निक वो अपनाते थे? मेरे जो मैं फिल्म देख के बड़ा हुआ, मेरे हिसाब से वो जमाने की फिल्मों में ज्यादातर जो है स्टोरी, स्क्रिप्ट, कहानी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और जब कहानी पे ज्यादा ध्यान जाता था, दूसरी जो टेक्निकल चीजें जो आजकल के जमाने में हम लोग ज्यादा करते हैं, जो है एडिटिंग, कैमरा, उस पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। तो कहानियां जिसकी वजह यह है कि आजकल की ऑडियंसेस हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि आजकल स्टोरी नहीं है, आजकल ज्यादातर एकदम गाने हैं और ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कैमरा वर्क पे, एडिटिंग पे। वो जमाने की फिल्मों में ज्यादा स्टोरी पे ध्यान दिया जाता है। इनमें मुगल आजम भी बनी उन्हीं जमाने में, तो इनमें से कुछ ऐसी फिल्में थी शायद जिनको आलमी सतह पर रिकमेंडेशन मिला। सही है। तो इनमें क्या खास खूबियां थी? इनमें ये खूबी, देखिए मैं अभी मेरी पहली फिल्म आ रही है, लेकिन मैं ज्यादा इस पे मैं प्रोफेसर तो नहीं हूँ इस पे, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, इसमें मेन मैं जो समझता हूँ, जो पूरे लोगों को ऑडियंस के हिसाब से या फिल्म स्कूल में पढ़ने वाला, वो ये देखना चाहिए कि ये स्टोरीज में एक किस्म का एक तालमेल जो था, जो तालमेल होता है अपना कहानी को लेके, कैमरा को लेके, डायरेक्शन को लेके, कलाकारी को लेके, एक्टिंग को लेके, ये सबका जो तालमेल था, जो सबका जो एक किस्म का जो रिश्ता था एक दूसरे से, वो बहुत ही स्ट्रांग था। वो बहुत ही एकदम, जैसे बोलते हैं ना, आजकल के जमाने में एक फिल्म जो बनती है, वो फिल्म का जो मेन मुद्दा होता है, वो फिल्म का मेन मुद्दा होता है कि हम लोग ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें हम लोग एक सेंसेशन करें। वो जमाने में सेंसेशन नहीं, वो जमाने में एक कुछ रिस्पॉन्सिबल मैसेज देना चाहिए, मकसद होती है। जैसा मुगल आजम देख लीजिए, मैं आज तक मैं मजाक करता हूँ और पूछता हूँ मेरे दोस्तों से, मुगल आजम बनी थी इतने बड़े बजट में वो टाइम पे, कैसे? ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक था वो टाइम पे, ना ट्विटर था, कैसे ये लोग वो टाइम पे के आसिफ जी ने कैसे फिल्म को पब्लिसिटी की, कैसे मार्केटिंग कैसे की? वो जमाने में भी इतने लोग जाके फिल्म को सराहा, फिल्म को देखा। आजकल अगर ये सब नहीं होता तो कैसे होता? तो ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में खटकता है। अच्छा साथ देखिए, एक फिल्म के जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो डायरेक्टर हुआ करता है जी। अब डायरेक्टर्स में जहां तक हिंदुस्तानी फिल्मों की बात आती है, उसमें सरे फहरिस्त जो सत्यजीत रे का नाम आता है, निर्मल सेन आते हैं, बिमल राय आते हैं, महबूब खान आते हैं, वी शांताराम आते हैं, गुरुदत्त आते हैं,
तो देखिए, हर एक फनकार का कोई ना कोई एक आइडल होता है जी, जी. जिससे वो इंस्पायर होता है, उससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकता है, करता है, फिर वो अपना एक जो भी है अपनी चॉइस से फिर वो आगे बढ़ता है जी. तो मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि इन डायरेक्टर्स में आप किससे ज्यादा इंस्पायर हुए, किससे ज्यादा मुतासिर हुए? मैं सबसे ज्यादा मुतासिर, और इसके साथ ये भी बताएं कि इसकी वजह क्या खास. मैं फिल्म जब देखता था, और 8-9 साल से मुझे मेरा रुझान फिल्म की तरफ था, फिल्म देखने का ज्यादातर, तो बिमल रॉय साहब मधुमती मैं देखा, मैंने जब देखा था मधुमती, आई थिंक मैं कुछ 12 साल का था जी. तो मधुमती देखने के बाद मैं डर गया था, क्योंकि फिल्म डरावनी तो नहीं थी, लेकिन अपने जो पास्ट लाइफ बोलते हैं उसके ऊपर थी फिल्म. तो मधुमती देखने के बाद एक ऐसा फीलिंग आया कि अगर हम फिल्म देख रहे हैं और अगर उससे हमें कुछ होता है, हमें अफेक्ट होता है, तो वो फिल्म कुछ एक कहानी कह रही है, कुछ बता रही है, जिससे आप कम्प्लीटली एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. वो एक्सपीरियंस जो वो मेरे साथ हुआ वो कभी नहीं हुआ था जी. तो वो देखने के बाद 12 साल की उम्र में वो फिल्म अभी तक मेरे साथ है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है, हर जगह है. तो बिमल रॉय जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जिस तरीके से वो फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाई कहानी के जरिए, वैसे अगर आजकल के जमाने में फिल्म मेकर करें नहीं, तो यानी उनका ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट था जो फिल्म का, स्क्रिप्ट का जो ट्रीटमेंट था वो मुझे, और बिमल रॉय फिर 2 बीघा जमीन भी बनाई थी बिमल रॉय ने. तो बिमल रॉय जो मैंने देखा कि एक इंसान जो 2 बीघा जमीन ने, जो जिसने 2 बीघा जमीन बनाई है, वो मधुमती कैसे बना सकता है? वही वही, इतना डिफरेंट, इतनी अलग. क्या उसमें क्या सलाहियत थी, क्या सोच रहे थे वो इंसान, तो वो देख के मैं बहुत ही एकदम मुतासर हो गया, और वो मेरे एक तरीके से एक फिल्म मेकर है जो मेरे इंस्पिरेशन रहे. अच्छा 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 साहब, देखो फिल्म लाइन ज्वाइन करने से पहले ड्रामों से आप कनेक्टेड रहे, वाबस्ता रहे जी. ये ड्रामा स्टेज करना और फिल्में बनाना, और स्टेज की एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग, इसमें क्या फर्क महसूस करते हैं आप? फर्क तो ज्यादा नहीं है, फर्क सोच में है. अब जैसे जैसे मेरे पीछे मैं ये चाह रहा था कि एक ड्रामा एट ए टाइम होता है जी, यानी आर्टिस्ट को फुल प्रिपेयर होना पड़ता है, कोई किसी किस्म की गलती उसको नहीं करनी पड़ती. जबकि फिल्म्स में जो है आपके रिटेक्स पे रिटेक्स होते हैं, सही है. तो ये किस में सहूलत ज्यादा है? देखिए जैसे मैंने बोला, सोच का है इसमें. आप देखिए अभी मेरी जो फिल्म स्टेशन आ रही है, उसमें पूरे जो एक्टर है पूरे स्टेज के कलाकार है. पूरों ने थिएटर किया है, पूरों ने ड्रामों में काम किया. अब स्टेज और फिल्म में जो आम लोग डिफरेंस देखते हैं, उसमें एक्चुअली अगर हम जो देखें कि क्या चीज जो सेम है, वो ये है कि कंसंट्रेशन जो कलाकार का होता है वो दोनों में बराबर होना चाहिए. क्योंकि फिल्म में जब आप सेट पे काम कर रहे हैं तो लाइट वाले हैं, कितनी आवाज होती है, कैमरा की कितनी बड़ी आवाज है, तो उसमें आप कैसे फोकस करेंगे जी. तो वो आपको वहां पे भी फोकस करना है. थिएटर में जब आप स्टेज पे कलाकारी कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं, जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वहां पे भी एक अलग किस्म का कॉन्सेंट्रेशन है कि किसी का फोन बज गया आपके परफॉर्मेंस, फोन रिंग हो गया, तो आप कैसे देखोगे. तो हर जगह पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आला किस्म की होनी चाहिए. और एक और जो आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, एक डिफरेंस ये है कि एक कलाकार को स्टेज पे एकदम वही मौके पे उसको जो भी ऑडियंस से नफरत है, इज्जत है, मोहब्बत है, सब वही टाइम पे हो जाता चाहिए. फिल्म में कलाकार को है एक ऑप्शन कि मैं रीटेक दूंगा, मैं उसको बेटर करूंगा जी, जी. और बाद में जब आएगा फिल्म तो जो भी लोग जिसको भी सराहना है वहां पे हो जाएगा. तो एक किस्म का जो जैसे बोलते हैं इंग्लिश में सडन सेटिस्फेक्शन, अच्छा अच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है स्टेज से. अच्छा हम लोग अब आपकी फिल्म पे आते हैं साहब. अरे आपकी जो पहली फिल्म है, ये जो स्टेशन जो पहली फिल्म है, ये फिल्म आपने बनाई है, तो इसका मौजू क्या है ना, इसका सेंट्रल आइडिया? ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है, थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर है. और इसमें हम बता रहे हैं कि क्रिमिनल्स और क्राइम का जो आखिरी जो मुकाम होता है वो खराब ही होता है. और इसमें जो तीन एक स्टेशन है, एक बहुत ही कहीं दूर जगह पे एक स्टेशन है, वहाँ पे तीन जो किलर हैं जो मर्डर करते हैं पैसों के लिए, उनको एक काम दिया गया है. नहीं देखिए, अब स्टेशन आपने नाम रखा तो स्टेशन कई तरह के होते हैं. हाँ, तो ये रेलवे स्टेशन, ये वाजे नहीं हो रही है बात. जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, शायद एक वाकया बताऊं तो हमारे एक उस्ताद थे हिंदी के, वो फिल्मों जब लड़कपन था हमारा,
तो वो कहते थे कि फिल्मों के नाम ऐसे होने चाहिए कि लोग सोचें, हाँ। जैसा कि उन्होंने उस जमाने में मेरा कसूर क्या है, हाँ। वो कौन थी, ऐसी फिल्में थी, तो हम लोगों को समझाते कि फिल्म के नाम ऐसे रखें कि लोग सोचें कि आखिर इस फिल्म में है क्या। तो स्टेशन का भी नाम वैसे ही, अगर कोई बोलता है स्टेशन तो फर्स्ट ख्याल आता है, पहला ख्याल ये आता है कि यार ये स्टेशन क्या है, वही इसमें क्या कुछ, तो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये ऐसा हो गया। मतलब अच्छा, अगर अच्छा। मैं आपको बोलूंगा टाइटल तीन हथियारे, तो आप बोले ये अखली बात नहीं, आप बोलेंगे क्या धक्या नहीं उसी टाइटल है ये तो। हाँ। अगर मैं बोलूंगा स्टेशन, तो आप बोलेंगे यार ये तो एकदम अच्छा टाइटल है। तो इसमें एक कुछ भी मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये ऐसा हो गया। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि स्टेशन से और एक थ्रिलर का थ्रिल का एक्सपेक्ट होता है कि कुछ होने वाला है, कि क्या होने वाला है। तो ये फिल्म में वही है कि तीन जो किलर हैं, हाँ। वो अपने स्टेशन पे कुछ काम है, उनको किसी को मारना है, वो आदमी आएगा जिसको ये मारना है, वो नहीं आएगा, वो जो उनका जो वेट है, जो इंतजार है, उस पे ये साइकोलॉजिकल एक अप्रोच है। अच्छा। और एक घंटा 50 मिनट की फिल्म है, तो ऑडियंस को ऑडियंस की पूरी जो इंटेंसिटी है पूरा ग्रिप में रखती है, ग्रिप में रखती है, वो ऐसा करने का एक हम लोग ने एक ट्राई किया है। अच्छा, पूरे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बेंगलोर के हैं, पूरे सब बैंगलोर के, पूरे बैंगलोर से हैं, और हाँ। ये पहली हिंदी फीचर है जो बैंगलोरियंस ने मिलकर बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ आप एक ये भी करते हैं सेंट्रल स्टेज जी, तो ये क्या है? सेंट्रल स्टेज मेरी कंपनी है जो मीडिया की कंपनी है जो मैंने शुरू की 3 साल पहले, हाँ। बैंगलोर से ही शुरू की, और इसलिए शुरू की क्योंकि मैंने देखा कि जो काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, अगर कुछ टैलेंटेड काम है तो वो सिर्फ मुंबई की तरफ भागते हैं या सिर्फ दिल्ली की तरफ भागते हैं, हाँ। बैंगलोर में जो टैलेंट है वो बैंगलोर में ही रहना चाहिए, ये मेरा एक मेरा छोटी सी सोच थी मेरी। अच्छा, तो अब 3 साल में ये सोच काफ़ी बड़ी हो गई, हाँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बैंगलोर में जो टैलेंटेड है, जिनके पास अलग सलाहियत है, अलग चीज़ें करने की, उसको ये प्लेटफॉर्म देती है सेंटर स्टेज। अच्छा, इस फिल्म के मुकाले में किसके लिखे हुए हैं, गाने किसके लिखे हुए हैं, किसका है मुकालमे, मतलब आप डायलॉग की बात? हाँ, डायलॉग, हाँ, डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, लेकिन डायलॉग्स को जो जिसका ट्रीटमेंट जो किया है उर्दू, हाँ, में, और एडिशनल, हाँ, डायलॉग्स जो लिखे, हाँ, हैं मेरी माँ ने लिखे हैं। अच्छा, और उनको मैंने जैसा उनको थोड़ा सा मैंने मकसद बताया कि ऐसे मुझे चाहिए, तो उन्होंने और उसमें जरा थोड़ा और वजन डाला, ठहराव लाया उसमें। तो उर्दू के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो 100% है। ये फिल्म में ज़्यादातर उर्दू का इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उर्दू जब फिल्म में होती है तो उसको कॉन्वर्जेशनल तौर, बातचीत तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको बताना, ना कि उसमें बड़े खौफिया वर्ड, मेरे हिसाब से खौफिया वर्ड ज्यादा, बड़े बड़े वर्ड, हम जिसको सखील अल्फाज, सखील अल्फाज कहते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इश्क बोलना है तो इश्क ही बोलिए, बिल्कुल बड़े अगर वर्ड डालेंगे तो ऑडियंस बोलेगी क्या कुछ अच्छा वर्ड बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं, तो हम लोग को वो, मैं वो जरिए से देखा। अच्छा सर, देखो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये फिल्म जो अनकरीब रिलीज होने जा रही है, इसके बाद भी किसी फिल्म का प्रोग्राम है आपका? अभी 3-4 स्क्रिप्ट है मेरे दिमाग में जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, हाँ। देखता हूँ मैं किसकी लड़ाई पहुँचती है, मेरे सबसे बेस्ट जो लड़ाई जो जीतता है। अच्छा, अच्छा। उसके ऊपर मैं कुछ करूँगा, हाँ। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में फिल्म का मैसेज देना बहुत जरूरी है, और स्टेशन में थोड़ा बहुत मैसेज है लेकिन ज्यादा इतना उभर के नहीं आता है वो मैसेज। तो मेरी अगली फिल्म जो भी मैं करूंगा, मेरी कोशिश जारी रहेगी कि उसमें थोड़ा बहुत मैं मैसेज का कैसे भी करके मैसेज लेके आऊं उसमें, ताकि लोगों को और भी पसंद आए और लोग जाके देखें। देखिए शायद पहले फिल्मों में जहाँ चूंकि वो टेक्निकल उतनी कुछ एडवांस नहीं थी फिल्में, आज की फिल्में जो है हर किस्म से टेक्निकली वाइज देखिए, हर फिल्म में इफेक्ट्स हैं, एनिमेशन है, हर तरह की सहूलतें हैं, अब कैमरा ये होने के बावजूद भी जो टेस्ट पुरानी फिल्मों में होता था उसकी कभी हम लोग महसूस करते हैं। मैं भी महसूस करता हूँ, और मुझे बुरा भी लगता है, हाँ। लेकिन आजकल के जो जो ऑडियंस है, जो जनता है, जो जो भी जाती है फिल्म देखने के लिए, उनका जो उनकी जो पसंद है वो पसंद थोड़ी बदल चुकी है, हाँ। और फिल्म मेकर की हैसियत से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ऑडियंस का जो देखने का अंदाज है वो बदले। नहीं, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग, हाँ, कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जो ऑडियंस पैसे देख के टिकट खरीदते हैं आजकल, क्योंकि आजकल जो अभी केबल आ गए हैं और टाटा स्काई या ये या वो, उसमें क्या हो गया है कि मोबाइल पे आजकल फिल्म देख सकते हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो फिल्म का जो कंटेंट है वो इतने आपके हाथ में आ गया है। जी जी जी। तो जो लोग पैसे खर्च करके जा रहे हैं वो लोग वो हैं जो है ना मजदूरी कर रहे हैं, महीने में 10,000 रुपए कमा रहे हैं और एक एक फ्राइडे को निकालते हैं वो 80 रुपए या 100 रुपए या 180 रुपए और जाके देखते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको मुन्नी बदनाम हुई चाहिए, उनको फेविकॉल का गाना देखना है, और वो गलत नहीं है। हम सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो एंटरटेनमेंट है। तो हम फिल्म मेकर ही बदल सकते हैं वो जो चॉइस है देखने का। आज मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस हो गया है। बिजनेस पहले से था, लेकिन पहले का बिजनेस और आज के बिजनेस में फर्क इतना है कि पहले के बिजनेस में थोड़ा बहुत जो अंदर की जो दिली ख्वाहिश का जो दिली ख्वाहिश से जो कॉन्शियंस आगे आता है वो ज्यादा था। आजकल क्या हो रहा है, आजकल बिजनेस की वजह से ज्यादातर पैसों का रिटर्न कि मैंने 10 रुपए में फिल्म बनाई तो मुझे 20 रुपए कमाने हैं फिल्म में, वो हो गया है। लेकिन फिल्म्स ऐसी भी आई हैं, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, जिसमें एक अच्छा खासा मैसेज था लोगों के लिए, तो वो मैसेज भी है, वो मैसेज वाली फिल्में भी बन रही हैं। खाली ज्यादातर जो लोग अपनाना चाहिए वो अगर अपनाएंगे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं पुरानी फिल्मों की बात करूंगा, वो ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी कायम हुई थी। जी जी। तो उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई उस पर पूरा खर्च आया था 75,000। वो जमाने की बात है। आज मल्टी स्टार फिल्म जो है करोड़ों रुपए में बनती है, तो क्या बिजनेस नहीं तो और क्या है? बिजनेस तो है जमी साहब, लेकिन देखिए अगर जैसे मेरी फिल्म बात करें, अभी आजकल एक बॉलीवुड फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है। अब मेरी फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्म है, लेकिन इंडिपेंडेंट फिल्म की हैसियत से भी 8 सिटीज में रिलीज हो रही है फिल्म। तो ये कैसे रिलीज हो रही है? ये ऐसे रिलीज हो रही है क्योंकि अगर आप अच्छी फिल्म बनाओगे तो कैसे भी करके लोग देखेंगे, ये मेन है। अभी कैसे कौन से लोग देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये तो सिर्फ खुदा ही डिसाइड कर सकता है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम बंदे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो सही और गलत का हम आप बोल सकते हैं, जो आपको चीज सही लगे वो मे बी किसी और को गलत लगे, जो मुझे सही लगे वो किसी और, तो वो तो होता ही है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन डेफिनेटली जो नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, जैसे दिबाकर बैनर्जी है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी शंघाई, जो बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल थ्रिलर थी। उन्होंने एक और एक फिल्म बनाई थी खोसला का घोसला, जिसमें वो बताया था कि जमीन पे कब्जा कैसे होता है। तो तारे जमीन पर आमिर खान साहब की फिल्म, वो भी देखिए आप। तो उसमें वो फिल्मों में है एक ऐसी एक अंदाज बयां है जिसमें कि जो ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि यार ये मैसेज है और मेरे दिल तक छू गया ये मैसेज, तो वो सब भी हो रहा है। अच्छा, शायद अब आपकी फिल्म पर आते हैं हम लोग, क्या आपने जो फिल्म बनाई है I am satisfied with it, कैसे बनी है, किस हम लोग ने किस तरह बनाई है, रिसोर्सेज को लेके जो हमारे पास जो थी, जो मदद हम लोग को हासिल हुई बैंगलोर से, उसको सब मद्देनजर रखते हुए फिल्म मेरे हिसाब से अच्छी बनी है। और लोगों को जो भी मीडिया के कुछ लोगों ने देखा है, काफी कुछ सेलिब्रिटीज ने भी देखा है, उनको भी पसंद आई है फिल्म। तो मैं सिर्फ अभी होप करता हूँ कि जो ऑडियंस है जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई है उनको पसंद आनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कोई ऐसा सिचुएशन फिल्म डायरेक्ट करते हुए जिसको डायरेक्ट करने में आपको बहुत ही दुश्वारी पेश आई हो? हमारी जो फिल्म का जो है, ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो हम लोगों ने दोस्तों के घरों पे शूट किया, हम लोगों ने बाहर रोडों पे शूट किया, पुलिस वालों को परमिशन लेके कैसे भी करके शूट किया। ये मेन हम लोगों का था कि जब मैं शूट कर रहा था एक जगह पे, वहाँ पे सडनली क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आ गए, जमा हो गए रोड पे रात में 3 बजे रसल मार्केट के एरिया में। तो वहां पे उन लोगों को लगा कि यार ये बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, तो मुझे जाके मिलके लोगों से पर्सनली मिलके बोलना पड़ा कि यार मैं डायरेक्टर हूँ, और उनको पता ही नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी रात में 3 बजे। उन्होंने बोला कि मुझे जरा मदद कीजिए, तो इतने अच्छा हुआ कि 15-20 मिनट में पूरी जो क्राउड जमा हुई थी 100-200 लोग, उन्होंने पूरी मदद करके, जो मुझे दुश्वारी वाला सीन था वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा हो गया। मदद से ही हुआ।
अच्छा शायद मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ शरीक रहे।